शुक्रिया। हम आप लोग को सबसे पहले आदाब अर्ज यहां से कर रहा हूं, और सबसे पहले हम लोग बात करना चाहेंगे सूरीनाम के पैसा। सूरीनाम के पैसा 19.5 मिलियन यूरो एंड 4 मिलियन यूरो ये नीदरलैंड का यूस्टिसी, ये दो बदरागन 19.5 मिलियन एन 4 मिलियन यानी बसलाख मिलिया है। ये बसलाख मिलिया है और सूरीनाम से जानना चाहते हैं नीदरलैंड के यूस्टिसी कि ये पैसा 19.5 मिलियन एन 4 मिलियन ट्वेल्ड फॉर जेंडिंगन नार नीदरलैंड, ये पैसा किसके लिए, ये पैसा कहां से आया है, और ये पैसा यानी कि ये कौन जगह से, ये पैसा मतलब कि दृश्य के पैसा है या कहीं कुछ सामान बेच करके ये पैसा, यानी पैसा जो है 19.5 मिलियन एंड 4 मिलियन नीदरलैंड ये पैसा बसलाख मिलिया। नीदरलैंड सवाल किया, पूछे भैया कहां से पैसा आई है, बताओ ये बात, ये सवाल कई मरतबा नीदरलैंड की स्थिति ने किया। अब सूरीनाम नीदरलैंड के ऊपर मुकदमा चलाना चाह रहा है। सूरीनाम ओवरवेक्स नीदरलैंड इंटरनेशनल ना द रेक्टर टू स्लीपन, जब ये बसलाख हुआ पैसा हॉलैंड के सरकार, जहां पर ये पैसा को जाना चाहिए, इस पैसा को वहां पर जाने देना चाहिए, वरना अब सूरीनाम बिल्कुल गड़बड़ा गया है, अब ये नीदरलैंड के ऊपर मुकदमा चलाएगा। अगर नीदरलैंड के ऊपर, नीदरलैंड की यूस्टिसी पर, सूरीनाम की यूस्टिसी नीदरलैंड की यूस्टिसी पर ये मुकदमा चलाएगा, एक मतलब ये है प्यारे लोग कि मुकदमा तो चलेगा, लेकिन इस मुकदमा के जरिए भी सूरीनाम और नीदरलैंड के संबंध, नीदरलैंड और सूरीनाम के संबंध, ये भी संबंध यानी हमेशा हमेशा के लिए बिगड़ जाएगा, क्योंकि नीदरलैंड और सूरीनाम कितनी सालों से सूरीनाम और नीदरलैंड के संबंध के बारे में बात करते हैं, रिलैक्सी के बारे में, वो ठीक नहीं है। अब आप खुद देखिए, यहां पर नीदरलैंड का एम्बेसडर मौजूद है नीदरलैंड के सूरीनाम में, लेकिन सूरीनाम का एम्बेसडर वहां नहीं है, क्योंकि सूरीनाम अम्बेसडर वहां भेजना नहीं चाहते हैं। हालांकि सूरीनाम के आधे आध जनता वहां रहता है, अगर सूरीनाम के जनता को गिनेंगे, लगभग उतने जनता आजादी के समय से लेकर के आज तक वहां पर जाकर के बसे हुए हैं। कम से कम एक एम्बेसडर सूरीनाम के नीदरलैंड में होना चाहिए था, क्योंकि सूरीनाम के जनता वहां रहता है और कहीं नहीं, लेकिन यही बात से लोग पता या इस बात से पता चल जाता है कि सूरीनाम और नीदरलैंड के संबंध ठीक नहीं है। अब यह मुकदमा चलेगा 19.5 मिलियन एंड 4 मिलियन यानी कि पैसा के लिए बसलाख वसलाख होगा, मुकदमा चलेगा, कोर्ट कचहरी होगा, इधर से ताना उधर से ताना, इधर से भी बड़के बड़के बात होगा, उधर से बड़का बड़का बात होगा। खाली एक बात है कि घूसा के मार नहीं हो पाएगा, क्योंकि नीदरलैंड और सूरीनाम करोड़ों माइल दूर रहे हैं, यहां से घूसा मरियो तो वहां पहुंची नहीं, और वहां से घूसा चलियो तो यहां ना पहुंची। लेकिन बात बोलेंगे, वो बात बोलेंगे 100-100 किलो का वजन के बाद चलेगा, नीदरलैंड से चलेगा, वहां से इधर चलेगा। प्यारे लोग,
यह मुकदमा से हमारे देश और सूरीनाम के संबंध और बिगड़ जाएगा। वैसे तो आप सुन चुके हैं कि मिनिस्टर ब्लॉक क्या कहा है। मिनिस्टर ब्लॉक के बारे में वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मिनिस्टर ब्लॉक अभी कुछ दिन पहले न्यूजीलैंड के में क्या कहा है। सुनिए, ब्लॉक से अब 3 जुड़ी टेजस एंड बसलोट बाय इनकम्स एंड डनहा दैट सूरीनाम एन मिसलुक्ड लैंड इज दैट सूरीनाम एन मिसलुक्ड लैंड इज दैट गबुक्ड गाट अंडर ग्रोटे एथनिसे स्पैनिंगन। ये बात ने ब्लॉक नो मिनिस्टर जो नीदरलैंड के मिनिस्टर फॉर बेल्टलैंड से साकर डेन हाग नीदरलैंड में ये बात जो कहा जिसे मैंने कहा इस दैट गबुक्ड गाट अंडर ग्रोटे एथनिसे स्पैनिंगन, जहां जाति के अंदर में भी हिंसातानी है। ook suggereerde hij dat de democratie en de rechtspraak in Suriname niet goed functioneren. वो भी कहा है कि यहां का डेमोक्रेसी जो है और आगे चल करके यानी कि इंसाफ जो कोर्ट में होता है वो ठीक से रूप में नहीं किया जाता है। Het is algemeen In het algemeen stelde hij dat multiculturele samenlevingen per definitie niet vreedzaam zijn, omdat mensen met verschillende etnische achtergronden niet goed kunnen samenleven. En dat kan zeggen dat je hier niet in de zaad hebt. हर एक अलग अलग अपना पहचान बनाए हुए है और अपना अपना रास्ता अपनाए हुए है और ठीक रूप में इनों में उठना बैठना नहीं है। मतलब कि सूरीनाम के बारे में जैसे कि कोई एक मुर्गी के दखना सब पखना नोच नोच करके उके सब एकदम से सफा कर देते हैं, जैसे एक मनुष्य के कपड़ा उठा निकाल करके उसके नंगा कर दिया जाते हैं, ऐसे वो सूरीनाम के नंगा कर दिया। ये मिनिस्टर ब्लॉक ने सूरीनाम के नंगा कर दिया कि सूरीनाम इस वक्त बड़ी मुसीबत में है। जाति लोग इनसे बात नहीं है और यही चातानी है, अपना अपना रास्ता अपनाए हुए है और देश के हालात बिगड़ गया है और देश बंकरुप्ट हो चुका है और देश तो ये तो देश तो वो। इस बात के लिए ओपोसीसी और कोवालीसी काका दोनों टूट पड़े, बोले स्टेप ब्लॉक को माफी मांगना चाहिए के बोले कि सरनाम टूट गई है, फाट गई है, छितरा गई है, ओपोसीसी कूदत है। ए ब्लॉक तू का बोल देवे तो के चाही माफी मांगे के, और कोलीसी भी बोले तो के माफी चाही मांगे के। सरनाम का मिनिस्टर बिगल बोले तो के माफी मांगे चाही स्टेफ भैया बकरा है, बकरा लोग एक ही झटका में सुधर जाता है। ये बकरा जब एक देश के ओपोसीसी बोले कि देशवा बड़ी अच्छा चलत है, ओपोसीसी क्वालिटी ये दोनों बिगड़ गया केकर ऊपर स्टेफ ब्लॉक के ऊपर, और स्टेफ ब्लॉक जो सुनी सी बात स्टेफ ब्लॉक एकदम से चौंक गए और कांपने लगा, उनको हिचकिया आने लगा कि हम कौन सी बोदली है, कौन सी हमारा मुंह से निकल गया है जो सूरीनाम जनता को एकदम दुखी कर गई है। ये बात एक है ऐश्प्राकन खदान दी एक नीत हाथ मुझे दून एन हैव मे इन द स्कर्प बोर्डिंग एन एट खलातन, बोले हमें
जो बात हम कह देली है, गढ़ू बात हम कह देली है, जिस बात से जनता को शायद चोट लगा है, जो हमें नहीं बोलना चाहिए था, एक माफी का चिट्ठी, एक्सक्यूज ब्रीफ, ये माफी मांगी से, और ये शनिचर को ये चिट्ठी मिनिस्टर बीगल के लिए भेजी हुए है। बीगल, हम लोग के मिनिस्टर का नाम बीगल, पोलाक बीगल, और उस चिट्ठी में लिखा हुआ है कि मुझे यकीन है, मुझे पता है, एक बसर्फ खुद देश एसप्राकन फीड है बन लॉस कमा इन सूरीनाम, बोले मुझे पता है और मुझे यकीन है कि जो बात हम कह दिया है, इस बात से उसी अक्वाली सी हिल हिल गया है सूरीनाम में। टेजन से द मेन कॉम्स है फॉर द डिस्कशी अफ, बोले कि हम अब ये सब बात ध्यान से जब मैंने देखा तो मुझे पता चला कि सचमुच हम सूरीनाम के लिए वो गढ़ू बात कह दिया कि सूरीनाम अपने आप को यही बात सोच रहा है कि सूरीनाम के बेइज्जती किया गया है। वो चाहते हैं कि माफी मांगे, तो ब्लॉक ने माफी मांगे से चिट्ठी द्वारा, अखबार के जरिए और प्यार्स के द्वारा, ये मिनिस्टर ब्लॉक यानी माफी सूरीनाम की पूरा जनता से मांग रहा है कि मुझे माफ कर दो कि मैंने कहा कि सूरीनाम एकदम से छिटरा गया है ना, वगैरह वगैरह। तो ये सब बात हुआ है भाइयों बहनों। उम्मीद है कि ब्लॉक बूंसदाक ना ब्लॉक एन एंड ब्रीफ एंड ट्वेड कामर वहां जा करके और अपना माफी के कारोबार वहां पेश की, और हम उम्मीद रखते हैं कि जब ये चिट्ठी सूरीनाम के सरकार को बीगल को मिला होगा तो ये मिनिस्टर को वो शायद माफ कर दिया होगा। बड़ी आर रेडिंग देश के अंदर में भाइयों बहनों, बहुत आर रेडिंग। एक आर रेडिंग हुआ है, ऑटो बस्ती उधर गाड़ी चला करके जा रहा है, एक स्नेल है से, इतना स्नेल है से गाड़ी चला करके जाता है क्वाटा के रास्ता के बाद हम करते हैं मिजन पार्क क्वाटा, और अब जानते हैं कि इतना स्नेल है से क्वाटा वे पर उड़ करके जा रहा है, रिफ्टिंग वन योर फीर द रे वे। प्यारे प्यारे लोग, तो इतना बात कही बताना चाहूंगा कि पहले ये दो इलेक्ट्रिक पालन को खारिज है, परसों ऑटो के बाद हम कर रहे हैं, पहले ये जाकर के दो इलेक्ट्रिक पाल को खारिज है, एक पाल पर एक ट्राफो, बड़ा ट्राफो, ये ट्राफो भड़भड़ा करके जमीन पर गिर पड़ा, बाद में एक सुपर मार्केट में घुस के जाकर के गाड़ी लिहे दी है सुपर मार्केट में मौसी, बाद में जब ये सफेद को पता चला कि सुपर मार्केट में घुस गया इनका गाड़ी, तो अपना सवारी का जो राइट है उसको फोड़ करके और ये बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जब बाहर निकलने लगा बस ये बीच में फंस गया, बीच में फंस गया, आधा दे ही गाड़ी में और आधा दे ही बाहर लटका है। प्यारे लोग, द आउट नॉट वेटन प्रोमेर द कोमन मार हेट खोलते हम नीत हे हिंग टून ओवर हेट फोर थी। हमारे भाइयों बहनों, अब आपसे बच सकते हैं, एखनार को खबर मिला कि तुम्हारे दुकान में घुस गया मोटर गाड़ी, सब फोड़ फाड़ करके तोड़ तार करके और तुम्हें एकदम भिखमंगा कर दिया, सब बप्पा रे बप्पा। जब दुकान के मालिक भागते भागते आईस वहां पहुंचल, बोले अरे का हम तो एकदम से लूट गेली है, लूट गेली है, हमारा इन्वेस्टरिंग सब जहन्नम में चला गया, ओ खुदरन एन कुल सिस्टेम
ये सब उखड़ पुखड़ के छितरा गया, इन्फेंटार सब दुकान के इधर से उधर छितरा गया। प्यारे लोग, मैंने आपसे ये बात कई मर्तबा कहा कि जितना लोग गाड़ी को दाम पर सड़क पर उड़ाता है, वो दुनिया, चाहे वो दुनिया के बात लेकर के चले, लेकिन वो उनका हालात जो होता है बाद में, भिखारी की तरह चूट चाट करके उनका सब सवारी छितरा जाते हैं। एक शायद उनका शरीर भी यहां उखड़ गया, वहां उखड़ गया, यहां टूट गया, वहां टूट गया, फिर भी इंसान इन चीजों से सबक नहीं सीखता है, इन चीजों से सबक नहीं सीखता है और सही रास्ता पर नहीं भी आता है। कोई गांजा पी करके, कोई दारू पी करके, और गाड़ी जहां चलाना चाहिए वहां सवारी को उड़ाने लगता है। यही बात होकर हुआ और देखो कौन हाल भई है। एक मोटर गाड़ी मौसा रेलवेक में एक औरत अब गाड़ी चला करके रेलवेक के रास्ता पर कहीं जा रही है। कहां जा रही वही खुद जानती थी कहां वो जा रही है, लेकिन उन्हें तो सड़क पर दाम पर गाड़ी चलाना चाहिए था, लेकिन वो भड़बड़ा करके रेलवेक के कंडाल में घुस गया। बोले कि फरलोर बस्तूर फॉर दिस फोर्टर द मार्क ऑफ द स्टूर एंड से बलंद मैचड फोर्टर इन द ट्रेंस। एकदम कंडाल में बेचारी बस मूरी निकाल करके इसे हेलप हेलप करत है। दादा रे दादा, कोई फोटो बना लिया बेचारी के मूरी निकला है ऊपर में, जैसे कि कहीं पानी में कोई वलापा मूरी निकासी से बेचारी का करी बेचारी, गाड़ी में से मूर निकाली है। बस लोग दौड़ उड़ करके उन्हें गाड़ी में से भी खींच खाच करके ऊपर लाई, तो मतलब कि बच गई है। ए भैया, मिलियन बहेर एलोफार ट्रेन के कम करता काफी नाराज है। बोले सरकार हम लोग के साथ धोखा दिया, सरकार हम लोग के साथ गद्दारी की है, और इसलिए वो आने वाले शुक्रवार को एक प्रोटेस्ट बे इनकम्स करने को जा रहा है। प्रोटेस्ट बे इनकम्स फ्राइडे ब्लांकर फोर्स फ्रॉम द बोंगन, ये दोनों बॉम के कह रहा है कि हम लोग के कमकर्ता के साथ, कर्मचारियों के साथ सरकार वादा कर करके निभाया नहीं, इसका मतलब कि हम लोग के साथ धोखा हुआ है। मेजर वर्कर्स फ्रॉम यूनियन बिहेव एंड लुक फॉर ट्रेनिंग, ये बॉम्ब में जो है फूलन सिख इन द स्टेक खलाटन, इसीलिए वो लोग शुक्रवार को एक प्रोटेस्ट एक्शी करने को जा रहा है। जनता को बताना जरूरी है कि देश में क्या क्या हो रहा है और देश के अंदर में कौन कौन तमाशा हुआ है। अब यह बात करने के लिए मैं जा रहा हूं अद्रियान एस के बारे में। अद्रियान एस फीरन फैक्ट यार, ये शुक्रवार को प्यारे प्यारे लोग रेस्टर के सामने ये खड़ा है, इन पर इल्जाम है, ये 17 साल का स्टीफ डॉक्टर को कोशिश की बलात्कार करने के लिए। अद्रियान एस अपने स्टीफ डॉक्टर 17 साल के बच्ची को, जब ये बच्ची नहाने के बाद बदकामर से बाहर निकल रही है, रेप हर फर्स्ट एंड बतास्ट हर, ई बुढ़ुआ के शर्म लाज न है अद्रियान को, अद्रियान का शर्म लाज न बप्पा, इन्हें सिपाही गिरफ्तार की है और 5 अक्टूबर के मुकदमा आगे बढ़ेगा। आजकल इंसान का दिमाग उसमें घुन लग गया है, ज्यादा इंसान के दिमाग ना सब ज्यादा इंसान के दिमाग एकदम से बिगड़ गया है, न जाने कि लोगों पर फायरस आ गई है। निकेर मान लोग बोले है फायरस है चुराई चुड़ैल
ان لوگ کے دماغ پر کھائی چکی ہے بوسی. دیکھ کون چی کون کون راستہ پر یہ لوگ نے چلنے لگا ہے. انسان بھٹک گیا ہے. انسان صحیح راستہ سے بھٹک کر کے غلط راستہ چلا گیا ہے کاکا. اب ہم بولی تو کہاں بولی. اب سنیے یہاں پر دریمانن جنوں کے پاس لوہا چھڑی لوہا کے لے کر کے یہ لوگ کچھ وی نسترات پر 58 سال کا عورت ان کو پہلے لوٹے ہیں. ایک عورت کو پہلے لوٹنے کے بعد یہ 74 سال کا مرد کو بیفے کے راتری کو یہ لوگ لوٹے ہیں. یہ کچھ وی نسترات کی بات ہے. ٹھیک ہو دسویں بات. تین ڈاکو نے ان دونوں کو اوپر حملہ کیا ہے. لوہا سے پہلے پٹائی پیٹ رہے ہیں اور دیہی بھر یہ لوگ کے چوٹ لگا. سی کلاس دے فیردر پر پین اوپر ہار خہید دے خام. یہ دونوں کو جتنا لوٹنا چاہا عورتیا کے گٹے کی جتنا موٹا موٹا کیٹی موسی کھٹ 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 توڑ توڑ کر کے یہ سب اپنے جیب میں رکھ لیا. مہرارو کیٹی تان کر کے سڑک پر چل رہی ہے. کیوں شہر چہر کے اتنی بدنام آپ لوگ کر رہی ہیں جب آپ جانے کی زیادہ سے زیادہ چور پیدا ہو گئے گا دیش کے اندر میں تو آپ لوگ کیچی تان کر کے بیچ رستہ پر مت چلو. ادنیا کا پٹمونی چھین لیا. امریکان سے ڈالر اینڈ ڈویژن ایس آر ڈی اور ان کا کاغذ پتر چھین کر کے ایک آدھ لوہا پٹنے ان کو. ان کا بھی دیہی میں زیادہ پیرا اٹھا ہے. کریو تو کا کریو موسی. یہ سب ہوا ہے تب یہ بات ہم آپ کو پہنچا رہے ہیں. اب ہم آگے چلتے ہیں بتانے کے لیے آپ لوگ کو. اور کیا بات ہے آج اخبار نے ذکر کی ہے کاکا. آج جو اخبار نے ذکر کی ہے وہی بات ہم کہنے کے لیے جا رہا ہوں. اس سے نہ زیادہ اور نہ اس سے کم. ہمارا تو عادت ہے ہی نہیں. جو بات لکھا وہی ہم آپ کو بتاتے ہیں. نہ اس سے کوئی زیادہ اور نہ اس سے کوئی کم. ایڈن ٹوینٹ ڈوزن امریکان سے ڈالر ڈینس ریس. یہ منسٹر بیگل اور منسٹر بیگل کہاں گئے ہے تنی سے ہم وہ تنی بتا دیا آپ لوگ کو. منسٹر بیگل گئے ہیں دو جگہ پر بیلکیہ اور سرفیہ. بیلکیہ سرفیہ کو گئی ہے بیگل دلخاسی کے ساتھ 20,000 امریکان سے ڈالر پیسہ لگا ہے. منسٹر گھوم گھام کر کے آ چکا. دیکھو پیسہ جو ہے وہ پیسہ بھرا گیا ہے. اے بھیا تیاری پوگر کے جنتا بڑی حیران ہو گیا ہے. بھائی بہنوں تیاری پوگر وہ لوگ گھبرا گئی سے جب ان کی سہبانہ میں پتا چلا کہ ڈاکوؤں نے جا کر کے گائے بل کو کاٹ کاٹ کر کے گوشت اٹھا لے گیا ہے اور موڑی اتری اور جو چمڑا وغیرہ وہی چھوڑ کر کے اب گوشت اٹھا لے گیا ہے. تو یاری پولر کے جنتا یہ بات سے بڑی حیران ہے. ہن کوئن نہ ہن داد اب جو داد اس دا کوپن فن آل دری کوئن اینڈ دا ایخ واندن ان ات ویدان اختر خلاتن. تین تین کو گائی کو کاٹ کاٹ کر کے کاکا اور سب گوشت اٹھا لی گیا ہے. بولی تھی اس جگہ کے یہ بات اندر سکھ کرنے کو گیا ہے اور یہ سب چیز جو ہوا یہ چیز ایسے گیانا سے شروعات ہوا ہے. گیانا سے یہ آ گیا ہے ایک دم اب سورینام میں. سورینام سے دھیرے دھیرے ہر ایک جگہ جہاں سہبانہ ہے جہاں پر گائے گورو پوسا جا رہا ہے وہاں پر گائے گورو کو کاٹ کر کے سہبانہ میں گوشت اٹھا کر کے لے جاتے ہیں
और बाकी जो है चमड़ा वगैरह उसका खोपड़ी वगैरह और सब अंतरी वगैरह वहीं छोड़ करके और गोश उठा ले जाता है। तीन गाय, ये तीन गाय के गोश जो है जरूर कहीं सलाखरई में जाकर के बेचे हुए हो गए, कोई सलाखरई में या कहीं गांव वालों ने कम से कम अस्पराग के मुताबिक ये गोश वगैरह खरीदे होंगे। सिपाही को ये सब चीज पर ध्यान रखना चाहिए। बहुनस्पन तवायारी पौधर अब खसखरेक्ट कौन अब कौन चीज से जब उन लोगों को गाय चोरी हुआ और गोश लिठा ले गया और खोपड़ी छोड़ दिया इन लोगों के लिए। एक 17 साल के मामा को गिरफ्तार किया गया है, एक 7 साल के बच्ची को बलात्कार की है। 17 साल के मामा को गिरफ्तार की गई है, एक 7 साल के बच्ची को बलात्कार की है। ओबा मिनिस्टेरी 17 साल के मामा को ले जाकर के बंद करी से, बड़ी दुख की बात है भैया। भाई बहनों, वो समस्या जो मैंने आपके सामने रखा था कि एक 22 साल का लड़का घर पर झगड़ा करने के बाद गाड़ी लेकर के भगा, उनका पीछा सिपाही ने, इस लड़का के बाप ने खुद पीछा किया, वही जो बॉस ब्रोकी पर आकर के बच्चा का रोका, लेकिन लड़का वहां पर बाप को देख करके और गाड़ी में से निकल करके पिता के सामने ये रीगा में कूद करके जान दे दिया है। यह समस्या जो हुआ है, कमरेज का एक लड़का था 22 साल का दिनेश केबल, सरीचर का उनका लाश लियोंस बैरक के रीबा में उतरा हुआ मिला है। ये वैजन बॉस ब्रोकी से कूद करके बेचारा जान दे दिया है। इनका पिता और सिपाही दोनों बेचारा को कोशिश किया पकड़ने के लिए, लेकिन इन दोनों से पहले वो कूद पड़ा रीबा में और उनका लाश मिला है। बहुत अफसोस के संदेश भाइयों बहनों, हम लोग परिवार केवल को शोक संवेदना प्रस्तुत करते हैं। यह समस्या घर से चला और ये घर से वहां से जाकर के वैद्यमोस ब्रोकी से लड़का कूद के जान दे दिया है। सूरीनाम के लड़कों के लिए हमेशा हम यही संदेश दे रहा हूं, इतना गुस्सा एक लड़का को नहीं करना चाहिए। बेटा बेटियां को जानना चाहिए कि बाप और माई का हक है, माता पिता को हक है बोलने के लिए। जो लड़का लड़की ये बात सोचते होंगे कि बाप और माई का हक नहीं है तो गलत सोच रहे हैं। ये दुख है बहुत बात, ये बात सुन करके और बोल करके मुझे दुख हुआ। आज तो अब वो तो लड़का नहीं है, लेकिन वो दुख जो है वो बाप मां के लिए छोड़ करके वो चला गया। ये दुख की बात है भाइयों। हम लोग इस परिवार को यानी कि प्रभु परमात्मा से इस परिवार के लिए हम लोग शांति के लिए प्रार्थना करते हैं कि इनकी ताकत दे ताकि ये मुसीबत से इस मुसीबत लेकर के नहीं चले, कम से कम भूलने की कोशिश करें। प्रभु परमात्मा आपको सहायता दे। ए भैया, आजकल बप्पा बड़ी चोर है देश में काका। एक नौजवान एक आदमी घुसा दुकान में, 3 बोतल कॉफी चोरी करके और भागना चाहा, लेकिन फैद खैच कामरा जो है उसमें देख लिया कि कैसे ये कॉफी लेकर के भाग रहा है और उन्हें लोग पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया और सिपाही के हवाले कर दिया गया है। समझे ना, तो पता चला है मिंदर में हुआ है। मिंदर वीकेंड एक आदमी ने ड्री फ्लैश एंड कॉफी ये तास में लुकवा करके अब भागने की कोशिश की,
लेकिन दुकानदार ने फेलिक्स कामरा पर देख लिया, इनको पकड़ करके सिपाही के हवाले कर दिया और सिपाही इस आदमी को ले जाकर के जेल में डाल दिया। है? बहुत गड़बड़ है भाई, बहुत गड़बड़ है देश के अंदर में। ए भैया देखो, एक समस्या मेरे सामने यहां रखा गया है। एक आदमी ने एक बच्ची को छेड़छाड़ करने लगा और गाड़ी चला करके उन्हीं के सामने जोर से रोका, ऐसे लगा कि बच्ची को कुचलना चाहा। बच्ची ने नालिश की है और वो आदमी शोफेर गिरफ्तार हुआ है, उन्हें सिपाही ले जाकर के बंद की है। अनेक अनेक गलतियां इंसान इस वक्त करने लगा है, जाने कब तक ये ऐसे गलतियां होता रहेगा सन्ना में। सुरीनाम से पेपर फैब्रिक फन प्लान वीकलक्स एक्सपोर्टेर, जितना लोग के पास सामान है, फैब्रिक है, मर्चा के हो, आम के, मर्चा के, आम के, जितनी चीज के हो, आप लोग को बदरेफ हो सामान, आपको एक्सपोर्टेर करना चाहिए। सुरीनाम बदरेफ बीओपी पर एंड स्पाइस, सुरीनाम पेपर फैब्रिक बीबीएसएस, ये लोग का विचार हर एक हफ्ता क्यूरासाओ के लिए मर्चा एक्सपोर्टेर करने के लिए मर्चा। इन टोटल हैव बीबीएस 800 किलो एंड फ्रेश फॉर जोंदनार क्यूरासाओ। अगर ये सब आदमी करे लगेगा तो सच्चाई तो सामने है आपके कि सन्नाम के इकोनॉमी धीरे धीरे संभल सकता है। उधर डोक्सा जाएगा डॉक्सों क्रिप का, इधर मर्चा जाने लगा है, 800 किलो चल गया है किरोसाओ। अगर किरोसाओ वहां की जनता मर्चा खाने लगेगा और कहेगा हाँ ये मर्चा है टीटा, क्योंकि टीटा के बात है बप्पा, जब मर्चा टीटा है तब सत बाल है, अगर मर्चा टीटा नहीं है तो झूठे एक्सपोर्टेड करियो। एयरफ्लिक पर वीक द्री एसएलएम किस्त नार किरोसाओ, अगर हर एक हवाई जहाज में 800 किलो मर्चा जाएगा तो हो सकता है कि किरोसाओ की सब जनता सरनाम के मर्चा खा खा करके छु करेगा, समझे ना। तो ये मर्चा यहां से जाने लगा है काका एसएलएम के जरिए। हमारे देश के तमाम लोग, प्यारे प्यारे जनता, द्रियन तक एलखालन आनखोजन, मुझे पता है कि द्रियन तक हाइटियानन को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग गयाना से ये लोग ने बोट में या कहीं से, पनडुब्बी में तो नहीं आया होगा, पौड़ कभी आया नहीं होगा, ये बोट में निकेरी और निकेरी से जब ये सब शुरू किया शहर आने के लिए तो कॉलोनी में ये सब गिरफ्तार हो गया है ब्रियन ट्रेन तक। अब ये सब को वापस भेजा जाएगा गयाना और गयाना से फिर ये लोग फिर हाइटी की तरफ जाएगा। भैया ये सब बात मुझे पता चला। देखिए 8 अगस्त जो 9 अगस्त जो आ रहा है तो 9 अगस्त को सरनाम में एक नेशनल फीसद है। सुरीनाम के जनता 9 अगस्त सुरीनाम में एक नेशनल फ्राइडा है। परवेख द हर डेंकिंग फॉर द डग दर इन हेमसन एंड जफानसे इमिग्रेशन, Japanse emigratie en dag daar in Heemsen 9 augustus ko Suriname ek nationaal feestdag hai. Je Malaike partij jo hai, Pachal Hoor, ek bigismat di,
قائم کرنے کو جا رہا ہے. یہ مجھے پتا چلا ہے کہ اوپن لفٹ میوزیم نیو آمسٹرڈم جہاں ہے کمبینر. Dat vindt plaats op 9 augustus in het Openluchtmuseum Nieuw Amsterdam in het district Kommerwijnen. Kijk je nou tarief 9 augustus koop, is het Nationale Vrijdag herdenking van de dag der inheemsen als Satisaat herdenking van de Javaanse immigratie. Waar je bij noemt, یہ دو دن یہ دن جو ہے نو تاریخ یہ دونوں اورخانیساسی ایک خاص پروگرام بھی ماری برک میں کرنے کو جا رہا ہے. ماری برک میں ہوگا جہاں پر خفال ہیلون کا یعنی مونیمنٹ ہے اور خاص کر کے اوپن لفٹ میوزیم نیو آمسٹرڈم وہاں پر انہوں کا پروگرام ہوگا. پانچ گڈیٹینیرڈن انہوں کے پاس ڈرگس یعنی کہ بسلاخ میں لیا گیا ہے. پولیس جو انسوک کیا ہے تو پانچ گڈیٹینیرڈن پانچ قیدیوں کے پاس 120 گرام گانجہ اب سپاہی بسلاخ میں لیا ہے. یہ کیسے جیل میں پہنچا ہے؟ چل کر کے تو گیا نہیں ہوگا، اڑ کر کے بھی نہیں گیا ہوگا، یہ کوئی جیب میں رکھ کر کے اندر لے گیا ہے، ان قیدیوں کو دیا کھینچنے کے لیے تماکو کے روپ میں. انیک انیک پرکار کی چیز دیش کے اندر میں ہو رہا ہے بھائی بہنوں. اب کہیو تو کا کہیو، اب دیکھو یہ ہوا ہے، پانچ لوگ کے پاس ملا ہے گاجا. کچھ لوگ جو بار بار گاڑی میں زیادہ بکس لگا کر کے ہنگا ہلا ڈنگا مچاتے ہیں خیش فلائٹ کی طرف، وہاں کے جنتا بار بار سپاہی کو تار کر کے نالش کرتے ہیں، یوسف اسرائیل استرات، ویلہلمینا استرات، مہونی لان، اوم خیفن، رات بھی رات کر کے بڑا بڑا بکس رکھ کر کے گاڑی میں، اور وہ تماشا وہ گانا کہ انسان سو نہیں سکتے ہیں اس آس پاس میں. پیارے لوگ دکان کے سامنے میوزک بجاتے ہیں، سپاہی ان سب کو جا کر کے یعنی کہ سب کے سامان بسلاخ میں لیا ہے. دا پولیس ہیو دا آٹو بسٹیوڈرز دی اوپر اوپر لائٹ میوزک ڈرائیڈن پروسیس فرمال آنگزیگ الکوہول گبرک فربودن آف دا اوپنبار ویگ. اور ایسے کر کے جتنا لوگ شراب پی پی کر کے اور گاڑی میں میوزک بجاتے ہیں ان سب کے بسلاخ لیا گیا ہے. ایسے ایسے تماسا بھیل بپا اور ہم بولی تو کا بولی، یہ سب ہوتا ہی رہتا ہے. دیکھیے نیدرلینڈ کے جو کچھ لوگ ہیں وہ لوگ جو سٹیف بلوک منسٹر آف بیلچلان ساک نے جو کہا ہے سورینام کے بارے میں، وہ لوگ سٹیف بلوک سے سہمت ہے. ایس پراکن سٹیف بلوک اوپر سورینام از دا کی ہر دا وار ہیٹ، کیونکہ جو پارٹی فن اربیج اب آفو سورینام سے پولیٹیسی ان خبور تلانچ بولے دیس کو چھتر بتر کر دیا، ہینک آرون کے نام لیا گیا جب یہ چوری چپاٹی کرنے کے بعد دیش کو آزاد کیا 1975 میں. دا خبورتر رہتن فن سورینام اس پر کوخت نیدرلینڈ سے نیشنلیٹیٹ سورینام اس کے تھا. یہ آرون اس دیش کے اندر میں وہ بربادی کی ہے، وہ نقصانی کی ہے، یہ دیش کے چھتر بتر کر دیا، اور ہم سورینامرز کا، ہم جو نیدرلینڈرز تھے اس زمانہ میں، ہم لوگ کا نیشنلیٹیٹ یہ بکوا دیا ہے. دا فراڈلیوزے انافھنکلیکھیٹ فن 1975 دا گبورتے رہتن فن سورینامز فرکوخت. دا گبورتے رہتن
जितना लोग नीदरलैंड से नेशनलिटी था, जिन लोगों का जन्म हुआ था सूरीनाम में, वो सब नीदरलैंडर थे। आरोन आरोन ये बेईमानी के रूप में हर एक सूरीनामर का नेशनलिटी बिकवा दिया। De geboorterechten van Suriname verkocht. En mens en maatschappij worden haaien geworpen. Bele joye aad stef blok ne kaha Nederland me. Wo sahi kaha tha. Lekin kut Surinamers ye baat thiek se samjha nahi. Yani kaha hai de chaos die dit machtmisbruik heeft veroorzaakt. Zorgde ervoor dat Surinamers massaal hun geboorteland vernieten. Voor een zogenaamde betere toekomst in het moederland, waar het naar zeggen toch veel beter was. En met alle gevolgen van dien. We hebben jo haal bij jo janta yahan se bhaag bhaag karke Nederland ki taraf jaane laga, ki wahan par hum log ko aaram milega, shanti milega, lekin abhi tak mila nahi. Pyare log, in Nederland hebben de geschoolde Afro-Surinamers in samenwerking met de socialisten van Partij van de Arbeid hun landgenoten in de categorie van ongewensten geplaatst en ze systematisch als minderwaardige uitkeringtrekkers, economische afhankelijk gemaakt en ze daarmee aan de zijkant van de samenleving gehouden om de onderklasse aldaar te vergroten. Piarelo. Dus ik heb het zo, wij partij van arbeid, kopkie apathie stariko, 1980 me, je sab samashya, lo rakker ke, en is er hier aan, wo hier ook kata hai, ki Stef Blok ne jo Surinam ke baare me kaha, wo sahi kaha tha, lekin, phir bhi, agar opposition kahe nahi, thik sab hai diye sand ke andar me, aur koalisi, aur Stef Blok ne maafi mang liya, to mamla wahi, khatam ho gaya hai, wahi par mamla, khatam ho gaya hai, हमारे भैया लोग सब लोग जानते हैं कि देर तक यूनी को सूरीनाम की जनता मारी बेरक को जाएगा जहां पर मोन्यूमेंट वहां है खफाल हेल्द का जिनों का हत्या हुआ है 16 लोग को हत्या उन्हों के लिए वहां प्रार्थना की जाएगी। यह देर तक यूरी 12 बजे की बात है। वहां पर स्टिखते हिंदुस्तान से इमिग्रेशन स्टिखते खफाले हेल्डन वो दोनों वहां फूल रखेगा कलंस फूल वगैरह प्रार्थना करेगा उनको याद किया जाएगा। वो चीज हम लोग को भूलना नहीं चाहिए। इसलिए हर एक जो शुरुआत शुरुआत में हम लोग के वहां पर साथ दिए थे उन सब के अलंग से हम सब के अलंग से जनता को धन्यवाद कहा जा रहा है जिनों के सहायता से हम लोग वहां कामयाबी हासिल किए हैं। भाई बहनों जितने हमारा संघ साथी प्रदेश नीदरलैंड में हैं वो लोग को मैं भी धन्यवाद दे रहा हूं। सब लोग जो जो उन दिनों में पूरा सहायता दिया सब लोग जितने संघ साथी है हमारा संघ साथी जो नीदरलैंड में हैं भैया रामनथी मुकेश छेदी पंडित अनुरूप गंगाराम पांडी पंडित अनुरूप गंगाराम पांडी और सख साथी जो वहां है नीदरलैंड में जिन लोगों को सहायता से हम लोग मारिंग बेरक में वहां पर मोन्यूमेंट खड़ा भी किए हैं आप लोग को हम धन्यवाद दे रहे हैं खास करके मुकेश भाई को और रामनथी भाई वहां है और जितने वहां पर सभी कर्मचारियों उसका रेडियो का रेडियो स्टेशन का और फिर भी पंडित अनुरूप गंगाराम पांडी आपको भी धन्यवाद है और आप अगर फुर्सत रहेगा तो आप जरूर मुझे तार करना। भाई बहनों ये बात आज कह करके मैं अब आप लोग से इजाजत चाह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।